आज की इस वीडियो के लिए मेरे पास है आईमू वेंजर 2 इंडो सिक्योरिटी कैमरा। आज करेंगे इसकी हम अनबॉक्सिंग एंड दूंगा एक इसका ओवरव्यू। सो हे गाइस, दिस इज दीपांशु एंड यू आर वाचिंग अनबॉक्स टेक्नोलॉजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हम इसका एक फिजिकल ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे आपको आईमू की ब्रांडिंग मिल जाती है, 1080p वीडियो, ह्यूमन डिटेक्शन एंड प्राइवेसी मास्क लिखा हुआ मिल जाता है, आपको इमेज दिख जाती है आपके सिक्योरिटी कैमरा की, रेंजर 2 इंडो सिक्योरिटी कैमरा लिखा हुआ है। इस साइड में आपको रिमोट व्यू लिखा हुआ है, पुश नोटिफिकेशन एंड वीडियो प्ले एंड पॉज भी कर सकते हो इसमें। आपको मैं इन सब फीचर्स का एक डिटेल भी बताऊंगा, आप पूरी वीडियो देखते रहो। यहाँ पे बस मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ बॉक्स का, बॉक्स पे क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको क्यूआर कोड मिल जाता है जिसमें जिसके थ्रू आप इसको डाउनलोड कर सकते हो इसकी एप्लीकेशन को, जो कि iOS और एंड्रॉइड दोनों पे अवेलेबल है। यहाँ पे पीछे की साइड आपको इसकी और स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे आपको बिल्ट इन माइक मिल जाता है, माइक यूएसबी कार्ड स्लॉट मिल जाता है, आपको नेटवर्क पोर्ट मिल जाता है, पावर स्विच, बिल्ट इन स्पीकर एंड रीसेट बटन। और यहाँ पे इसकी वेबसाइट दे रखी है www.imulife.com एंड इस साइड में इसकी की स्पेसिफिकेशन दे रखी है, जो कि इसके कुछ की हाईलाइट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको H.265 1080p HD फुल HD रेजोल्यूशन की आपको आउटपुट मिल जाता है इसमें। आप इसके लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो और रिकॉर्ड भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको पैन एंड टिल्ट दोनों मिल जाता है, ह्यूमन डिटेक्शन मिल जाती है, टू वे टॉक मिल जाती है, स्मार्ट ट्रैकिंग, प्राइवेसी मास्क, वाईफाई कनेक्शन एंड क्लाउड सर्विस भी मिल जाती है। यहाँ पे इसकी की प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लिखी है, जैसे कि इंपोर्ट वगैरह सब कुछ, एंड MRP लिखी है। यहाँ पे जो MRP लिखी है वो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा, Amazon एंड Flipkart दोनों पे अवेलेबल है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हो। तो अभी करते हैं इसको डायरेक्टली अनबॉक्स एंड देखते हैं हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे करते हैं इसको बॉक्स को ओपन, एंड बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पे आपको दिख जाता है आपका कैमरा, जो कि पूरा वाइट कलर में है, काफ़ी सही लग रहा है आपको। बीच में ब्लैक कलर का ये मेन जो इसका कैमरा है वो मिल जाता है, लेकिन जो बॉडी है वो वाइट कलर की है, तो कॉम्बिनेशन काफ़ी सही लग रहा है एंड काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सा भी है, काफ़ी छोटा सा भी है, कॉम्पैक्ट सा। एंड यहाँ पे आपको मिल जाती है ये क्विक स्टार्ट गाइड एंड थोड़े और पेपर वर्क, ये दो पेपर वर्क्स मिल जाते हैं आपको इसके साथ। यहाँ पे आपको एक चार्जर मिल जाता है जिसके थ्रू आप इसको कनेक्ट कर पाओगे, जिसके थ्रू आप इसको पावर दे पाओगे। एंड यस, इसको आपको चार्ज रखना है तो आपको इसको पावर भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसमें कुछ इसकी अपनी बैटरी नहीं है जिसके थ्रू ये अपने आप फ्रीली चल पाए, 24 आवर्स इसको अपने पावर स्विच के साथ लगा के रखना पड़ेगा ताकि ये स्टार्ट रहे। यहाँ पे आपको केबल मिल जाती है जो कि USB टू माइक्रो USB वाली है, एंड इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। एंड यहाँ पे आपको इसके थोड़े माउंट्स एंड स्क्रूज मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप इसको वॉल पे भी प्लग कर सकते हो, मतलब वॉल पे भी लगा सकते हो। तो इन सब को रखते हैं अभी वापस अंदर। तो अब हम आते हैं इस वेंजर 2 पे, देखते हैं इसमें आपको क्या क्या पोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सामने की साइड आईमू की ब्रांडिंग मिल जाती है, एंड आपको कैमरा की लेंस दिख जाता है, एंड साथ में आप जैसे इसको ओपन करोगे यहाँ पे आपको SD कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, जहाँ पे आप अपने SD कार्ड लगा सकते हो फॉर रिकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे आपको रीसेट बटन भी मिल जाता है। इस साइड आपको लेंस के डायरेक्ट नीचे आपको माइक भी मिल जाता है जिसके थ्रू आप टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हो, मतलब कि आप इससे बात भी कर सकते हो जो भी इस कैमरे के सामने है। यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन लाइट मिल जाती है, मतलब कि पावर अभी इसमें आ रही है या नहीं आ रही है, तो उसका आपको इंडिकेशन मिल जाता है। पीछे की साइड आपको स्पीकर मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको लैन का पोर्ट मिल जाता है जिसके थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शन नहीं है तो आप लैन के थ्रू भी चला सकते हो। एंड यहाँ पे आपको पावर पोर्ट भी मिल जाता है। नीचे की साइड आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एंड यहाँ से आप नीचे की साइड से ही इसको माउंट कर सकते हो, ऐसे कुछ इस तरह से ये माउंट हो जाएगा आपके वॉल पे, एंड डायरेक्टली आप इसको वाईफाई के थ्रू स्ट्रीम कर सकते हो। एंड ये पूरा 360 घूम जाता है, पैन एंड टिल्ट हो जाता है, ऊपर नीचे देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको थोड़ी ग्रिप भी मिल जाती है नीचे की साइड, अगर आप इसको टेबल पे रखते हो ऐसे तब भी ये ज़्यादा मूव नहीं करेगा, बिकॉज नीचे आपको रबर ग्रिप मिल जाती है जिसके थ्रू ये स्टेबल रहता है। अभी चलते हैं इसकी एप्लीकेशन के ऊपर जो आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करोगे, जिसके थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम जैसे ही ऐप को ओपन करते हैं यहाँ पे आपको दिख जाता है
इसमें कुछ परमिशंस मांगेगा ये आपको डायरेक्टली, ऐप का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और साथ में आपको बॉक्स का क्यूआर कोड भी मिल जाता है जिसके थ्रू आप स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो फेसबुक के थ्रू भी, वरना आप अगर आपको अपना एक अकाउंट बनाना है तो वो भी बना सकते हो। एंड यहाँ पे जैसे ही ये ओपन होता है, यहाँ पे कुछ इस तरह से है इसका इंटरफेस। एंड आपको ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपने प्लस को क्लिक करना है। एंड यहाँ पे थोड़ी और परमिशंस मांगेगा, उसको आप अलाउ कर दो। एंड उसके बाद ये स्कैन करने बोलेगा क्यूआर कोड, जो क्यूआर कोड है वो आपको कैमरे के नीचे मिल जाता है, आपने उस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। एंड जो आपका जो कैमरा है वो लिंक हो जाएगा आपकी ऐप के साथ। तो इसको हम कर लेते हैं पहले स्कैन। यहाँ पे हो चुका है ये हमारा क्यूआर कोड स्कैन। एंड यहाँ पे आप दिखा रहे हैं यहाँ पे डिवाइस मॉडल रेंजर 2, तो ये हमारा रेंजर 2 ही है, इसको कर लेते हैं अब हम नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट करते ही यहाँ पे आपका जो डिवाइस है वो सिंक होने लग जाता है, यहाँ पे हो चुका है सिंक। एंड यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आप इसको कौन सी जगह पे रखना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ लिविंग रूम में। एंड इसको कर देता हूँ लिविंग रूम पे टैप करने के बाद डन। एंड या बस यही था सेटअप का सीन। एंड अब यहाँ पे आपको दिख जाता है कॉन्ग्रेचुलेशन 7 डेज़ का आपको क्लाउड स्टोरेज मिल जाती है। तो इसको अगर आपको क्लेम करना है तो आप अभी क्लेम कर सकते हो, वरना आप लेटर भी कर सकते हो, मैं लेटर कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आपका जो है लिविंग रूम का आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन आ चुकी है, एंड जो मेरा कैमरा है वो कनेक्ट हो चुका है। अभी चलते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाते हैं, मैसेजेस एंड स्टफ, कुछ अपडेट या फिर कुछ जैसे मोशन डिटेक्शन वगैरह होती है, ह्यूमन डिटेक्ट होता है, तो वो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। एंड यहाँ पे आपको प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि माई क्लाउड, माई डिवाइस, डाउनलोड लिस्ट एंड और भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो माई डिवाइस के अंदर एक ही डिवाइस है जो मेरा कनेक्टेड है अभी लिविंग रूम के नाम से, तो यही रेंजर 2 ही है जो कि इसके साथ कनेक्टेड है। एंड यहाँ पे आपको और भी सारे काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं, टूल्स मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको मोर सर्विसेज भी मिल जाती है जिसके थ्रू आप इसको एलेक्सा एंड गूगल होम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, मतलब गूगल असिस्टेंट के साथ। एंड यहाँ पे आप सेटिंग्स में देख सकते हो काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं, अकाउंट एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे आप इसको सेलुलर डाटा पे भी चलाना चाहते हो, मतलब अपने डाटा जो मोबाइल का डाटा है उससे चलाना चाहते हो वो भी चल सकता है इस पे, एंड वाईफाई पे भी तो चलेगा ही। अब चलते हैं अपने कैमरे के अंदर, यहाँ पे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं प्ले पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो आपकी स्ट्रीमिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, जो कि आप लाइव देख सकते हो कहीं भी बैठ के। बस आपका जो डिवाइस है वो वाईफाई के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन है जिसके थ्रू सब कुछ दिख रहा है कि क्या चल रहा है कैमरे के सामने। एंड यहाँ पे आपको स्पीक का ऑप्शन मिल जाता है जिसके थ्रू आप इसमें कम्युनिकेशन कर सकते हो, जैसे भी कोई भी बंदा आपके कैमरे के सामने बैठा है, जैसे आप ऑफिस में बैठे हो एंड आपके घर पर कोई एल्डर है जिनको आपने रिमाइंडर देना है कि आपकी दवाई का टाइम हो चुका है, आप मेडिसिन ले लो, तब इसको स्पीक पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे जो है आपके कैमरे में से आवाज़ आने लग जाएगी, आपकी साउंड आने लग जाएगी, एंड आप उनको रिमाइंडर दे सकते हो कि आपका मेडिसिन का टाइम हो चुका है, आप मेडिसिन खा लो। यहाँ पे आपको रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है इसके कंट्रोलर का, जो कि मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी। यहाँ पे आप इसको, जैसे मैंने आप स्टार्टिंग में बताया, पैन एंड टिल्ट दोनों हो जाता है, तो इसी के थ्रू यहाँ पे आपको जॉयस्टिक मिल जाती है जिसके थ्रू आप इसको पैन रोटेट कर सकते हो या टिल्ट कर सकते हो, पैन एंड टिल्ट बोल सकते हो आप इसको। एंड यहाँ पे आप देखो, जैसे ही मैं राइट करता हूँ राइट जाएगा, लेफ्ट करूँगा लेफ्ट जाएगा, ऊपर करूँगा ऊपर जाएगा, नीचे करूँगा नीचे आएगा। तो ये काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे, आप इसको आराम से कहीं भी बैठ के कंट्रोल कर सकते हो, ये नहीं है कि आपको घर में ही होना चाहिए, बस आपका जो कैमरा है वो आपके वाईफाई के साथ कनेक्टेड होना चाहिए या फिर किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। आप वर्ल्ड में कहीं भी हो, आप अपने कैमरे से स्ट्रीम कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो एंड इसको कंट्रोल भी कर सकते हो। तो यही फ़ायदा होता है एक IP कैमरा का। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको आर्म सेटिंग्स मिल जाती है, इसमें देखते हैं क्या क्या मिल जाता है। यहाँ पे आपको मोशन डिटेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है जिससे क्या होता है कि आप ह्यूमन ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको स्मार्ट ट्रैकिंग भी मिल जाती है। ह्यूमन ट्रैकिंग से क्या होता है, जैसे कि कोई भी बंदा आएगा आपके, मतलब आपके घर में कोई भी नहीं है एंड कोई भी पर्सन एंटर करता है, कोई चोर वगैरह आता है, तो ये आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि आपके घर में कोई आया है, और आप उसको डायरेक्टली स्ट्रीम कर सकते हो अपने फ़ोन पे ही, कि आप देख सकते हो कि कौन है भाई वो बंदा। एंड यहाँ पे आपको स्मार्ट ट्रैकिंग मिल जाती है, जैसे कोई एक ही बंदा है आपके घर के अंदर, आपने उसको ट्रैक करना है वो कहाँ जा रहा है, किस साइड जा रहा है, तो उसी पे ही ये फोकस करेगा एंड उसी को ही सिर्फ ट्रैक करेगा वो किस एंगल पे जा रहा है। जैसे वो राइट जाएगा कैमरा भी उसी साइड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट जाएगा कैमरा भी लेफ्ट की साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, ये जो फीचर्स हैं मुझे इसके काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगे। एबनॉर्मल साउंड अलार्म मिल जाता है, इसमें क्या है, जैसे कि आपके घर में कोई एक बच्चा है, छोटा बच्चा है एंड आप घर पे नहीं हो, तो अगर वो रोने लग जाता है या फिर कुछ चिल्लाने लग जाता है तो आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाती है कि कुछ एबनॉर्मल साउंड आ रही है आपके घर से, तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हो।
तो ये कुछ फीचर्स थे एंड अनबॉक्सिंग थी इस डिवाइस की. मैं बताऊँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा ये डिवाइस. एंड मेरे पास जो है अभी इसके अंदर मैंने 64 GB का मेमोरी कार्ड लगा रखा है सैमसंग का, एंड उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो अप्रॉक्स 6 to 7 days, मतलब वीक की आप रिकॉर्डिंग आराम से कर सकते हो. एंड साथ में आपको क्लाउड स्टोरेज तो मिलती है, हफ्ते का ट्रायल आपको मिल ही जाएगा, आप उसको एक्टिव करके भी कर सकते हो. तो अगर आपको परचेज़ करना है ये, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो. फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन दोनों का लिंक दिया है, वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो. एंड या अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. आपको स्क्रीन पर मेरे चैनल का लोगो दिख रहा होगा, एंड साथ में रिसेंट वीडियो देख लो, वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी. और या बस हियर द पांचू साइनिंग ऑफ. थैंक यू.